सोलार सिस्टम में हर एक प्लैनेट की पोजीशन से लेकर हमारी अर्थ की पोजीशन एक परफेक्ट प्लेस में है। यहाँ तक कि हमारी अर्थ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी स्पीसीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक परफेक्ट मिक्स में है मैजिकली, जिससे हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाई। और अभी तक कोई ऐसा प्लैनेट नहीं ढूंढा गया है जहाँ पे सारी एनवायरमेंटल और फिजिकल कंडीशंस एक परफेक्ट मिक्स में हो, जिससे वहाँ लाइफ पॉसिबल हो पाए जैसे अर्थ पे है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर हमारे इस परफेक्ट सोलर सिस्टम में जुपिटर नहीं होता। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स में से एक है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम के पूरे मास का 99.9% मास ओन करता है। जुपिटर का एरिया इतना ज्यादा है कि जुपिटर के अंदर करीब करीब 1300 अर्थ 1300 धरतियां उसके अंदर समा जाएंगी। और जुपिटर इतना मैसिव है कि जुपिटर का मास हमारी अर्थ के मास से 318 गुना ज्यादा है, यानी कि 318 टाइम्स ज्यादा है जुपिटर का मास हमारी अर्थ से। जुपिटर जो प्लैनेट है उस प्लैनेट पे सरफेस नहीं है, यानी कि वो पूरा प्लैनेट गैस से बना हुआ है, लेकिन फिर भी जुपिटर एक स्ट्रेंज प्लैनेट है क्योंकि वो प्लैनेट पूरा गैस से बना हुआ है लेकिन फिर भी वो स्टार में कन्वर्ट नहीं होता है। और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा तेज रोटेशन करता है, यानी कि जुपिटर में दिन और रात बहुत जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ। और इससे पहले मैंने जुपिटर पे एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है क्या होता अगर जुपिटर एक स्टार बन जाता, क्योंकि जुपिटर में वो सारी चीज़ें हैं जो एक स्टार के बनने के लिए नेसेसरी होती हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या होता अगर जुपिटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, यानी कि जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में होता ही नहीं। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं द लॉजिकल टॉक यूट्यूब। तो शुरू करते हैं। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि उन्होंने जितने भी सोलर सिस्टम अलग अलग सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया है उनमें ये देखा जाता है कि जो जुपिटर जैसे मैसिव प्लैनेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं उनके स्टार से, जो उस सोलर सिस्टम का मेन स्टार होता है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रेवोल्यूशन करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में ये स्ट्रेंज चीज़ क्यों है वो भी साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में डालती है। साइंटिस्ट्स ने ऐसी हाइपोथेसिस दी है जिससे वो हमें ये बताते हैं कि अगर जुपिटर नहीं होता तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये प्लैनेट एग्जिस्टेंस में नहीं होते। तो उस हाइपोथेसिस के अनुसार सोलर सिस्टम के इनिशियल फेज में जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब जो जुपिटर है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैनेट्स में से एक है, मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स जुपिटर के बाद बने हैं जो हमें जुपिटर के पहले देखने को मिलते हैं ऑर्डर में। तो जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब जुपिटर सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण सन के बहुत करीब चला गया था, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि सैटर्न उनकी ग्रेविटी के कारण जुपिटर फिर से वापस लौटने लगा उस पोजीशन से। तो जब जुपिटर उस पोजीशन से लौट रहा था तब जुपिटर के कई सारे हिस्से टूट के उस एरिया में बिखर गए जिससे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इन प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर जुपिटर नहीं होता ना ही ये अर्थ होती, ना ही मरकरी होता, ना ही वीनस होता और ना ही मार्स होता। अब हम बात करते हैं कि क्या हो अगर जुपिटर अचानक से गायब हो जाए। तो जुपिटर के ऑलमोस्ट 67 से ज़्यादा मून्स हैं जो अभी तक जाने जा चुके हैं जो जुपिटर के अराउंड घूमते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं जुपिटर के अराउंड। तो अगर जुपिटर सडनली गायब हो जाता है तो वो सारे मून बहुत ही ज़्यादा तेज वेलोसिटी से हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड इधर उधर रैंडम मोशन में घूमने लगेंगे और हो सकता है उनमें से कुछ मून हमारी अर्थ पे आके स्ट्राइक कर दें जिससे हमारी अर्थ बचेगी नहीं। और हम जानते हैं कि जुपिटर बहुत मैसिव प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम में लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स हैं। तो जुपिटर की मैसिव ग्रेविटी के कारण, जुपिटर के बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड के कारण मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉइड्स की रिंग बनी हुई है जो हमारी अर्थ को कई सारे एस्ट्रॉइड्स से बचाती है। तो अगर सडनली जुपिटर गायब हो जाता है तो वो रिंग भी गायब हो जाएगी और लाखों एस्ट्रॉइड्स हमारी अर्थ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। जो जुपिटर है वो हमारी अर्थ को हमेशा एस्ट्रॉइड से बचाता रहता है और जो जुपिटर है वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है हमारी अर्थ के लिए। जो भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं अर्थ की ओर, जुपिटर या तो उन एस्ट्रॉइड्स का पाथ बदल देता है या फिर जुपिटर उन एस्ट्रॉइड्स को अपने ऊपर ले लेता है, यानी वो एस्ट्रॉइड्स जुपिटर के ऊपर स्ट्राइक कर जाते हैं। तो जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए और जो भी प्लैनेट्स जुपिटर के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स से बने हुए हैं और वो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अगर आपको जानना है कि क्या ऑक्सीजन मास्क जो लोगों को लगाया जाता है क्या उनमें से सिर्फ 100% प्योर ऑक्सीजन गैस दी जाती है तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है कि क्या
होगा अगर हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन डबल हो जाए। तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।